हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम बनाने जा रहे हैं मूली के पराठे। और मौसम है आपका ठंडा, और मूली के पराठे अगर ना खाए तो कैसे बात बनेगी। चलिए देखिए, हमने मूली कद्दूकस से कस ली है और बारीक हमारे पास चॉप की हुई, हमारे पास जो ग्रीन चिली यानी कि हमारे पास हरी मिर्चें आ गई, कोरिएंडर यानी कि हमारे पास हरा धनिया आ गया। और ये देखिए, हमने अब इसे अच्छे से हम मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद हम देखेंगे हमारे पास मूली के पराठे कैसे तैयार होते हैं। अब इसमें हम मसाले में क्या क्या ऐड करने वाले हैं मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, सबसे पहले हमारे पास मसाले में आया धनिया पाउडर, वाह भाई वाह। और इसके बाद हमारे पास आया रेड चिली पाउडर यानी कि हमारे पास लाल मिर्च पाउडर आया। और इसके बाद हमारे पास आया, ये हमारे पास आया गरम मसाला हल्का सा। ये हमारे पास होममेड गरम मसाला है जो हमने घर पे ही खुद पीसा है। और इसके बाद हम लोग ऐड करने वाले हैं नमक। ये देखिए भाई साहब, नमक थोड़ा सा और डाला जाएगा। ओए होए होए होए, वाह भाई वाह। अब इसे मिक्स करेंगे। देखिए गाइस, अब हम इसे मिक्स करने वाले हैं। देखिए सारे मसाले हमारे पास आ चुके हैं। चलिए भाई मिक्स करते हैं अब इसे। गर्मा गर्म मूली के पराठे, आलू के पराठे खाओ, मूली के पराठे खाओ, बदुए के पराठे खाओ। और लेकिन आज हम जो ट्राई करने वाले हैं वो हम मूली के पराठे ट्राई करने वाले हैं। मौसम है ठंडा, लेकिन हमें खाने हैं मूली के पराठे। आप लोग भी जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे जरूर बताइएगा हमारे ये मूली की रेसिपी कैसी लगी आप लोग। चलिए ये देखिए, अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। वाह भाई वाह, इसकी स्मेल जो आ रही है बहुत ही बढ़िया आ रही है, बहुत ही स्वादिष्ट। घर के मसाले पीसो की बात ही कुछ अलग ही है। ये देखिए भाई, ये देखिए, चलिए अब आगे प्रोसेसिंग देखते हैं। मिक्स करने के बाद हमारे पास, चलो आगे देखते हैं आगे क्या करना है हमें। चलो वही मूली के पराठे गर्मा गर्म, ये देखो वही अच्छे से भर लिया। एक हमारा टिकी रहा है, और इसे देखते हैं। वाह भाई वाह, आया इसका मसाला। देखो भाई, अच्छा भाई
पराठे भाई साहब। चलो